बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जाने जाते हैं फिल्मों को प्रमोट करने के लिए एंड सुपर डुपर हिट रियलिटी टीवी शो बिग बॉस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हिम टू प्रमोट मूवीज। इस शो का सीजन 10 आ रहा है जो कि अक्टूबर 16 को ऑन एयर होगा और ऐसी खबरें हैं कि शो में सलमान खान अपनी एक्स लवर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके दुश्मन रणबीर कपूर की फिल्म ए दिल मुश्किल को प्रमोट करेंगे। ये बात जितना गले से हजम होना नामुमकिन है उतना ही मजेदार है क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, खबरें थी कि सलमान ने ए दिल मुश्किल का टीजर ट्रेलर देखा और ऐश्वर्या राय बच्चन की अदाएं देखकर वो दीवाने हो गए और कहा शी इज सो ब्यूटीफुल। पॉसिबिलिटी नंबर 2, फिल्म के डायरेक्टर है करण जौहर जो कि सलमान खान के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 3, फिल्म में है उनकी आरफा यानी कि अनुष्का शर्मा जिनके साथ भाईजान ने सुल्तान में काफी अच्छी केमिस्ट्री शेयर की। खैर रणबीर तो सलमान के सामने मानो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अगर याद हो तो तमाशा के प्रमोशंस के दौरान दीपिका पादुकोण अकेली ही बिग बॉस में फिल्म प्रमोट करने चली गई। रणबीर से जब इस बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका ये आंसर। रियलिटी शोज इज अ वेरी लार्ज मीडियम टू प्रमोट अ फिल्म रणबीर, बट वी हैव नॉट सीन यू ऑन बिग बॉस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट रणबीर? माय पर्सनल रीजंस, द टीम थॉट के दीपिका गोइंग एंड द मार्केटिंग टीम थॉट दैट दैट वुड बी फ्रूटफुल, सो शी वेंट यस्टरडे एंड प्रमोटेड इट। वेल अब पता नहीं सलमान के शो पर उनकी एक्स यानी ऐश्वर्या और उनके राइवल रणबीर जाएंगे या नहीं, बट करण और अनुष्का के जाने की फुल चांसेस है। जो भी हो सलमान प्रमोटिंग ए दिल मुश्किल विल श्योरली बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रमोशंस ऑन द शो। व्हाट डू यू फील? पोस्ट योर रिएक्शंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो।